लाडू यहाँ पे आओ मम्मा पास, छत पे मत जाना अकेले। उसकी चाची गई है ना और वो भी कपड़े लेने, तो वो भी अभी छत पे चले गया पीछे। बस इसको बहाना चाहिए था कि कोई छत पे जाए और मैं भी फटाफट से जाऊँ, या फिर पापा आते हैं बाहर जाते हैं बस तभी रोने लग जाते कि मैं भी बाहर जाऊँगा, बस इसका यही है। और ये हमारा शरीफ बच्चा, ये कहीं नहीं जाता हमारा गुगलू, ये कहीं नहीं जाता अभी। अभी ये बोलती कि थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे भी थोड़ा 2-3 मंथ वेट करो फिर देखना मैं भी कैसे भाग जाया करूँगी सबके पीछे। हेलो बोलो, हेलो तो गाय। सुबह सुबह मेरा बेटा देखो आज कुछ नया ही शरारतों की तरह इसका ध्यान था। ये देखो टेबल का और सोफे को साइड पे लेके पता नहीं क्यों कौन से जंप कर रहा था। इसको मना भी कर रही थी लेकिन मान ही नहीं रहा था। ये देखो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गिर जाएगा ऐसे करते शरारते। बेटू नो मत करो, गिरेगा मैं बोल रही हूँ, गिर जाएगा छोटे बच्चे, गिर जाएगा। जिमनास्ट बनना क्या बड़े होके तुझे, जिमनास्ट बने यार। ये देखो गाइस, ये देखो ये देखो अब गिर जाओगे, बस करो। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल बस करो। वेरी गुड, 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। बस करो, गिर जाओगे फिर, बस करो बेटू, बस करो। मैंने बोला गिर जाओगे अभी, बस करो। मुझे टेबल ही हटाना पड़ेगा नहीं तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। बाकी मिश्रू आप लोग कुछ कहना चाहते हो, बोलो से समथिंग, बोलो जल्दी से जल्दी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस मैं यही कहना। हाँ बस मैं हाँ यही कह रही है, ये भी सोची नन्नी परी यही बोल रही है गाइस। चलो अभी वो देखो, वो चले गया पापा का परा चाची के पीछे, अब इसको तंग कर रहा होगा छत पे। उसका यही होता है कैसे कोई भी करके मुझे मतलब मिले, कोई बाहर जाता हुआ तो मैं बस पीछे पीछे जाऊं। तो अभी मैं देखती हूँ कि थोड़ी सी शाम होती है तो फिर इसको लेके जाती हूँ मैं बाहर। 6-6:30 बजे तक थोड़ा सा नॉर्मल होता है टेम्परेचर, मतलब दिन को तो धूप होती है बड़ी ज़्यादा, अंदर ही रहते हैं हम करके। खैर अभी इसको लेके जाऊँगी तो मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है गाइस। कितनी सारी गोट है लड्डू, वो देखो कितनी सारी गोट है। मुर्गा ना जो कसम से इतना खतरनाक है ना, पूरे मोहल्ले के बच्चे डरते हैं उससे। कोई भी बच्चा अकेले दिखेगा ना बस एक मिनट में आ जाता है ढूंगा मारे नरसिंदर गाइस। कहाँ है कुकू, कुकू कहाँ है, कहाँ खतरनाक कुकू। ओ आया 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 इस मोहल्ले का सबसे खतरनाक पिलर लड्डू आया तुझे कट्टू कट्टू कर। आके उतर जाना गेट में, गेट में जाना, और गेट पास जाना कुड़ू इन्हें कुलों यहाँ दूर फिर ड्राइया ये मुआ बढ़ रहे हैं बोल रही है ये तो थोड़ी आंधा पीछे लग गया मुझे तो गाइज अभी मैं घर में आ गई थी लड्डू को लेके, और सच में बच्चों को बाहर जब खेलने के लिए लेके जाऊँ ना तो इतना थका देते हैं, और मैं इतनी टायर्ड फील कर रही थी ना। मैंने आते ही पहले पूरी बॉटल पानी पी, बिकॉज बच्चों के साथ बहुत थकावट हो जाती है, स्पेशली जब आप बच्चों को कहीं प्ले ग्राउंड या फिर आउटसाइड ले जाते हो तो
आपको पता ही है बच्चे कभी उधर भागते कभी उधर भागते। बस यहाँ पे मैं लड्डू को रूम में ले आई थी और यहाँ पे इसने मेरे सारे बैंगल्स वगैरह भी ये देखो निकाल लिए थे, पता नहीं क्या 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 करता है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर जो है वो बुक रीड करवाई। इसको बुक बोल रहा था कि मम्मा मुझे बुक ही पढ़नी है, तो मैंने इसको बुक रीड करवाई। पूरा इसको पता है एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज सब कुछ, मतलब इसको अब ये बोलता नहीं है बट फिर भी जब मैं इसको पूछती हूँ कि वो चीज़ कहाँ है तो ये पूरा बता देता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा भी नहीं बोलना स्टार्ट किया बट फिर भी आप कोई ना कोई बुक्स लेके उसको साइन वाली बताया करो, जिससे बच्चे की जो मेमोरी है वो थोड़ी शार्प रहती है और बच्चा जो है वो स्टडी की तरफ भी कंसंट्रेट करता है। खेलने भी दो, पढ़ाई भी करवाओ, ये नहीं कि आप एकदम पढ़ाई में ही रखो बच्चों को। तो बच्चों के एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो खेल के आया था ना बाहर से, तो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था अभी पढ़ने में, तो बस यहाँ पे उसने पढ़ाई कर ली थी। अभी मेरे बैंगल्स जो थे, मैंने जो मेरा पहले मैंने चूड़ा पहना हुआ था ना उसको मैंने अलमीरा में रखा था और पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आता है ये फटाफट से, तो उसके साथ ये खेल रहा था। सारे कपड़े गाइस मैंने रख दिए हैं, तो अभी शाम के पता नहीं कितने बजे में गाइस ये देखो शैतान टूटी। क्या कर रहे हो आप बाबू बाहर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी काम कर रहे हो? कौन सा काम कर रहे हो? शरारते वाले, ये देखो पूरा फ्लावर नीचे गिरा दिया और खुद चेयर पे चढ़ के स्विच ऑन और ऑफ करेगा बस। ये देखो बस यही होता है इसका काम। और ये देखो बस मेरा तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता गाइस, छोटे बच्चों के साथ जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि बस उनका पूरा दिन जो है वो छोटे बच्चों के अराउंड ही निकल जाता है। तो प्लीज़ आप कभी भी ये मत बोला करो कि आप पूरा दिन क्या करते। कुछ लोग होते हैं ना शाम को आएंगे हस्बैंड को खास करके पूछेंगे आप पूरा दिन क्या करते, तो मैं यही उनको कुछ यही ब्लॉग आप उन लोगों के साथ शेयर करो कि देखो छोटे बच्चों के साथ कितना काम होता है। बस इनको संभालो, बस वही सबसे बड़ा काम होता है इनको संभालना, क्योंकि इनको बस शरारतें ढूंढनी होती कि किस वक्त पे कौन सी शरारत करे, और एक बंदा तो इनके साथ जो है वो होना ही होना चाहिए। गिर जाओगे वहां से? आपने मम्मा का फोन फेंका, मम्मा का फोन आपने छीना, मम्मा का फोन आप लेके भाग गए, नीचे गिरा दिया है ना? नहीं गिराया था? अच्छा सच में नहीं गिराया? अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हो आप, आप तो बिल्कुल शरारते नहीं करते हो है ना? गाड़ी लेके आओ लाडू, अपनी गाड़ी लेके आओ इधर, अपनी गाड़ी लेके आओ, बैग नहीं चाहिए। बैग में क्या है बेटू? ये देखो गाइस बैग लेके आ गया, बैग में क्या है? कुछ नहीं है, ये रख के आओ वहाँ पे, रख के आओ पॉलीथीन वगैरह है, चलो रख के आओ वहाँ पे। बस अब इसको पूरी डिटेल देखनी है कि कौन सा बैग है,
कौन लाया है, क्या लाया है, बस इसको बस पूरा दिन जी देखना। The next day. तो गाइस अभी शाम हो गई थी और भैया जो थे वो आज मोमोज लेके आए थे, बोल रहे थे बहुत मन कर रहा मोमोज खाने का, तो हमने मोमोज की पार्टी की थी। और ये देखो आप सब गाइस देखो कितना प्यारे हैं, चलो और लड्डू लड्डू पहले मैं लड्डू भी लिया। तो यहाँ पे लड्डू जो था वो मयोनीज के साथ सबसे पहले उसने स्टार्ट कर लिया था। इसको बहुत, इसको फास्ट फूड वैसे हम कम देते हैं और ये हमें देख रहा था चेयर्स करते हुए कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये भी मांग रहा था बट हम उसको देते नहीं हैं, बट आज बेचारा सबको देख रहा था तो इसलिए एक किसको देना पड़ा। पहले देखो एक 10 रुपये का गिलास और कितने सुंदर गिलास है, और लड्डू देखो पहले सबसे पहले लगा पक्के कच्चे क्यों खाएंगे हम लोग, बापरे बाप बापरे देखो हमारा लड्डू बापरे कच्चे नहीं खाएंगे हम लोग, पक्के पक्के खाएंगे। हाँ जी हाँ जी अभी खा के देती हूँ आपको खा के। यहाँ पे गाइस हमने खाना वगैरह कर लिया था, डिनर वगैरह, और लड्डू को मैं इस दिन सुला रही थी लेकिन ये सो नहीं रहा था, इसको नींद नहीं आ रही थी। तो ये देखो इसने पूरे बेडरूम को अपना किचन बना लिया था, पूरे बर्तन गायब ले आता ये किचन से, और पूरा मतलब ये देखो आपके सामने वीडियो में मैं दिखा रही हूँ पूरे बर्तन लेके। अभी मैंने उठा के रख दिए थे, बस इसको होता है कि मैं भी कुछ कुकिंग करूँ, क्योंकि ये जब देखता है ना हमें खाना वगैरह बनाते हुए तो इसको बस यही होता है कि जो ये देखता है ना उस चीज़ को बहुत कॉपी करता है। और ये देखो पूरा इसने ऑनियन डाल के रखे थे कढ़ाई के बीच में, और मतलब अपने अपनी तरफ से ना ये सब्जी बना रहा था कि हाँ भाई मैं भी सब्जी बना रहा हूँ। और नीचे ये देखो जो स्पॉट रखी हुई है ना ये इसकी गैस है, और पूरा आटा गूंद रहा था। जैसे जैसे हम बड़ों को देखता बस वैसे वैसे करता है। तो सोने के लिए बोल रही थी तो मतलब मना कर रहा था कि नहीं सोऊंगा, तो फिर मैंने इसको दे दिए बर्तन और बोला कि ठीक है अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम अच्छे से खेल लो। तो यहाँ पे ये खेल रहा था। तो गाइस मैं अभी बैठी हूँ वेट कर रही हूँ कि कब ये बोलेगा कि मामा बस मुझे नींद आ रही है और फिर मैं इसको सुलाऊंगी। ये देखो अभी इसका सोने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। मैं फ्री हो गई थी तो गाइस मुझे लगा ठीक है मैं अभी अपना ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब कर देना।